हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द डिवाइन चैरो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आई विश आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस सो so, आज की जो रीडिंग होने वाली है ये रीडिंग होने वाली है कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर ठीक है इस कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल की बातें क्या है ठीक है दिल से वो आपके बारे में क्या सोचते हैं उनकी दिल की भावनाएं क्या है आपको लेकर के जो आपको शेयर नहीं करते नहीं बताते यदि काफी लंबे समय से अपने पार्टनर के साथ नौकांटक में हो बातचीत नहीं हो रही है सो हम देखेंगे ठीक है कि उनके मन की उनके दिल की बातें क्या है आपके लिए okay? उनके दिल की फीलिंग्स को पिक करने वाले हैं साथ ही साथ आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे ठीक है सो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की दिल की भावनाएं क्या है सो so, so, जब तक से मैं कैंडल को लाइट कर रही हूं आप तब तक से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो ठीक है यहां पे मैंने दो कैंडल लिया हुआ है एक सबसे पहले हम यूज करेंगे यदि एक से नहीं होता तो हम दूसरा भी ट्राई करेंगे ठीक है दूसरा यूज करेंगे सो चलिए तब तक अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए ओके सो okay, so, मैंने कैंडल को लाइट कर लिया है सो चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन यूवर्स एंजल्स गाइड करे और बताएं मुझे कि मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिसका भी ध्यान कर रहे हैं उनके दिल की बातें बताएं डिवाइन दिल से ये पर्सन क्या सोचते हैं आपके पार्टनर ना इमोशनल इमोशंस ले, लेस हो गया ठीक है यानी कि इनके मन में ना इमोशन अब ज्यादा नहीं है ऐसा लग रहा है कि भाई इमोशनली अभी किसी के लिए अवेलेबल ही नहीं हो पाते या फील ही नहीं कर पाते बहुत कम इमोशंस है इनके मन में किसी के लिए ना प्यार फील नहीं कर पाते आपके पार्टनर का ऐसा हो गया हो सकता है इनके पास्ट की वजह से ये प्रॉब्लम ये चीजें इनके साथ हो रही है ठीक है आपके पार्टनर अपने पास्ट की वजह से बहुत सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में इनका पास्ट बहुत बुरा रहा है जो क्लियरली यहां पे दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है अपने पास्ट की वजह से इतना ज्यादा हॉट हो चुके हैं जिसके वजह से ना ये खुल के जी नहीं पा रहे अपने लाइफ में ठीक है इनको ना चीजें बहुत बदल करती है आपके पार्टनर को ये भी खुश रहना चाहते हैं हैप्पी रहना चाहते हैं अपने लाइफ में बट ये अपने लाइफ में ना हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाते ठीक है इनको ऐसा लगता है कि जो भी लोग मेरे लाइफ में आते हैं या जो भी लोगों से मैं अपना कनेक्शन बनाता हूँ या बनाती हूँ वही लोग इनको समझ नहीं पाते ठीक है इनसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा की उम्मीद रखते हैं वो लोग कहीं ना कहीं हो सकता है इनके परिवार वाले इनके आसपास के लोग इनके फैमिली वाले हो सकता है कि इस तरीके के पर्सनालिटी हो ठीक है जिससे आपके व्हाट्सअन में काफी ज्यादा जान चुके हैं ठीक है थीके? इस चीज को इनको पता है कि यस ये चीजें एक्सिस्ट करती है ठीक है मेरे फैमिली वालों के लिए मैं इतना लड़ रहा था या लड़ रही थी हो सकता है फैमिली के लिए उन्होंने आपसे भी फाइट करी या फैमिली के अगेंस्ट ये नहीं जा सकते इस चीज के लिए इन्होंने आपको भी बहुत ज्यादा खड़ी खोटी सुनाई है ठीक है या दो चार बातें इन्होंने अपनी तरफ से आपके सामने रखी है जो फैमिली को लेकर के थी हो सकता है फैमिली के लिए इन्होंने फाइट करी फैमिली के लिए उन्होंने सारे सेक्रीफाइसेस करे ठीक है बट अब इनको फैमिली नहीं समझती है यस yes, इनको फैमिली उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके पार्टनर की बस इनको अपना जात धर्म ठीक है उम्र यानी कि एज ये सारी चीजें इनके फैमिली के लिए मैटर करती है ठीक है कि लड़की या लड़की का बैकग्राउंड कैसा है या उनका कैरेक्टर कैसा है या उनके घर वाले कैसे हैं कितने पैसे हैं नहीं है जाति क्या है धर्म क्या है ठीक है ये सारी चीजें ना आपके पार्टनर के फैमिली वालों को बहुत ज्यादा मायने रखती है हो सकता है कि कास्ट इशू आपके तरफ से भी हुआ हो जब बात मैरिज की आई ठीक है रिलेशनशिप में कनेक्ट होते हुए ये सारी चीजें नहीं थी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है बट सारी चीजें हो सकता है आप दोनों के लाइफ में धीरे धीरे आगे आई हो ठीक है धीरे धीरे हो सकता है कि एक एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो ज्यादा चांसेस है कि आपके लाइफ में आ, इनके साथ आपका कोई फिजिकल रिलेशनशिप रह चुका है ठीक है उस रिलेशनशिप के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ है ये चीजें हो सकता है कि आप काफी लंबे टाइम से नोटिस कर रहे हो ठीक है ये जब से आपके पार्टनर के साथ आपका कोई स्ट्रांग बॉन्डिंग बना है ना यानी कि आप दोनों का स्ट्रांग बॉन्ड जो हुआ है उसके बाद से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई है इस चीज को हो सकता है कि आप नहीं नोटिस कर रहे तो आपके पार्टनर जरूर नोटिस कर रहे हैं ठीक है या आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने सिर्फ मेरा यूज करा है ठीक है मुझे समझा नहीं मुझे प्यार नहीं दिया या अपने मकसद से या अपने हिसाब से मुझे चलाता रहा या चलाती रही बट देखो इनके मन में प्यार तो है यदि आपको दिख रहा है तो आप कैमरे को थोड़ा सा जूम कर लो यानी कि वीडियो को थोड़ा सा जूम करके आप देखो यहाँ पे क्लियरली एक हार्ट की एनर्जी बनी है यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि इस इंसान ने सिर्फ मुझे यूज करा है तो आपकी ये आपकी गलत फहमी हो सकती है बिकॉज़ आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं और यहाँ पे दिख भी रहा है ठीक है कि वो आपसे सच में प्यार करते हैं वेरियस यानी कि कुंभ राशि हो सकती है आपके पार्टनर की लियो दिख रही है लियो यानी कि सिंह राशि लिब्रा है तुला राशि एरिस भी है मेष राशि ठीक है सो ये सारी राशियां यहाँ पे मिल रही है आपके पार्टनर आपको सॉरी कहना चाहते हो सकता है आपसे बात किए हुए काफी लंबा टाइम हो गया है ठीक है आप दोनों में बातचीत नहीं हुई हो सकता है कि आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट है बातचीत नहीं हो रही है ठीक है और इसके लिए ना ये आपको भी कहीं ना कहीं दोषी ठहराते हुए नजर आ रहे हैं यानी कि कहीं ना कहीं इसके लिए आपको भी ब्लेम करते हैं ठीक है इनको ऐसा लगता है कि यदि इन्होंने आपसे बात नहीं करी तो आपको तो करना चाहिए था आपको तो इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहिए था हालांकि ये रिश्ता आप दोनों का है राइट आप दोनों ने इस एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट रखी है इस रिलेशनशिप में ओके अब जब सॉरी बोलने की बारी आई या रिलेशनशिप को ठीक करने का समय आया तो कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही ट्राई नहीं करा हो सकता है आपके तरफ से ट्राई आज भी जारी हो आप आज भी चाहते हो कि इंसान आ जाए सब कुछ ठीक हो जाए बट आपके पार्टनर का ऐसा सोचना है कि आप इनके साथ ट्राई नहीं करते ठीक है आंख में चोली पता नहीं क्यों ऐसा आपके पार्टनर को लगता है कि आप माइंड गेम्स बहुत खेलते हो इनके साथ ठीक है आप एकदम से छुप जाते हो एकदम से इनके सामने आ जाते हो या आप अपने पार्टनर को ड्रीम्स में बहुत दिख रहे हो ठीक है आपके पार्टनर ना लाइक आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग फील करते हैं ठीक है फीलिंग्स बहुत है देखो फीलिंग्स इनकी जेन्यन और रियल है ठीक है फीलिंग्स तो है बट आप दोनों के बीच में कोई एक बहुत जिद्दी इंसान हो सकता है जो कह रहे हैं आपके पार्टनर की ये जिद को छोड़ना होगा तभी जाके इस रिश्ते में कुछ आगे हो सकता है ये yes, रिलेशनशिप में कुछ आप हासिल कर सकते हो ठीक है बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी जिद छोड़ दो हो सकता है आपने कोई जिद लगा रखी है इनसे या कोई जिद आप ऐसी जिद कर बैठे हो जिसका कोई तोड़ नहीं है जो चीजें ये आपको दे नहीं सकते हो सकता है कमिटमेंट या फिर स्टेबिलिटी या फुल लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप आपको चाहिए ठीक है सो so, ये इनसे नहीं हो पाएगा इनको हर जगह बैलेंस करना है इनके लाइफ में यदि कोई पोर्सन है तो उसके साथ भी बैलेंस करना है इनको यदि आप हो तो आपको भी संभाल के रखना है सो so, दोनों तरफ देखो ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते ठीक है किसी को कम किसी को ज्यादा ये नहीं देख सकते इनको हर तरफ बैलेंस करके चलना होगा अदरवाइज इनकी फैमिली लाइफ खराब हो जाएगी ठीक है पता नहीं क्यों लेटर के और लेटर सी एकदम से यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है ठीक है लेटर के और लेटर सी और लेटर ए भी है यहां पे सेजिटेरियस धनु राशि हो सकती है इनकी ठीक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है आपको ऐसा लगता है इनके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं या इनके लाइफ में कोई है ठीक है जो आपसे ज्यादा प्यार इनको कर रहा है या आप भाई बैठ के देखे जा रहे हो और आपके पार्टनर किसी और के साथ इंजॉय कर रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी एक गलत फैमी है ठीक है ये पर्सन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे अपनी लाइफ में और आप बिना मतलब के ख्याली प्लाव पका पका के इनका दिमाग खराब कर रहे हो ठीक है या इस रिश्ते को आप खराब कर रहे हो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा जिद्दी है गुस्से वाले हो सकते गुस्सा बहुत करती ये इंसान चिल्लाते बहुत है चांसेस है कि ये गुस्से में आके बहुत ज्यादा अहंकारी बन जाते चिल्लाते बहुत है ठीक है सामने वाले को समझते नहीं है या उनकी बातों को अंडरस्टैंडिंग नहीं देते या अंडरस्टैंड नहीं करते सामने वाले की बातों को बट देखो ये इंसान दिल से बहुत सॉफ्ट है ओके okay? और ये ऐसा भी कह रहे यानी कि या आप दोनों के रिश्ते को लेकर के ना श्योर नहीं है बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकता फैमिली रीजन कोई दूसरा पर्सन का रीजन हो सकता है या रिस्पांसिबिलिटी जॉब करियर कुछ भी चीजें हो सकती है ठीक है जिसको लेकर के ना आपके पार्टनर बिल्कुल भी कहीं ना कहीं श्योर नहीं है आप दोनों के रिश्ते को लेके अभी भी आप दोनों में जो है कहीं ना कहीं चीजें जो है परिस्थिति जो है वो खराब ही है ठीक नहीं हो रही है ठीक है आप इनसे बात करना चाहते हो सकता है कि आप एक कॉल के लिए इनका वेट कर रहे हो कि यदि ये कॉल कर दे तो बहुत अच्छा होगा ठीक है हो सकता है कि आपके घर वाले हो सकता है कि थोड़े स्ट्रिक हो जिसके वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो बट आप चाहते जरूर हो कि इस इंसान का कॉल आपकी तरफ आ जाए बस एक बार बात हो जाए उसके बाद यदि रिश्ता बने ना बने इसकी आपको कोई ज्यादा पड़ी नहीं है ठीक है आप सोच रहे हो कि बस एक बार इस इंसान से बात हो जाए एक बार मैं इसकी आवाज को सुन लू आपके पार्टनर ना आपके ऑल्ड चैट्स पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहां पे ठीक है ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है आपके ऑल्ड चैट्स को बहुत पढ़ रही है यानी कि आपका जो पुराना मैसेज ठीक है संदेश जिसको बोलते हैं व्हाट्सअप मैसेजेस ओके यदि कोई मैसेज आप दोनों ने बात करी थी एक दूसरे के पास है तो सर डेफिनेटली उस चीज को ये बार बार ऑल्ड चर्च को पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो काफी डीप है ओके okay? लिटरली आप एक बात बताओ आपको सुन के बिलीव नहीं होगा यहाँ पे कहीं कही ना कहीं आपके पार्टनर को ना ईश्वर के द्वारा पुश करा जा रहा है ठीक है कहीं कही ना कहीं ईश्वर चाहती है कि आप दोनों के रिश्ते में स्ट्रांग बॉन्ड बने या आप दोनों के रिलेशनशिप में चीजें ठीक हो जिसके वजह से आपके पार्टनर को ना आपकी तरफ भेजा जा रहा है ठीक है बट ये पर्सन इतनी जिद्दी है ना कि आने का नाम नहीं ले रहे ठीक है ठीके? या ये ऐसा दिखा रहे जता रहे हैं कि मैं नहीं आ सकता मेरी मजबूरी है मैं नहीं आ सकती बट लिटरली इनको ईश्वर कहीं ना कहीं इशारा देते हुए कहीं ना कहीं समझाते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है बट आपके पार्टनर इस इशारे को समझ नहीं पा रहे उनको ऐसा लगता है कि हर चीज जो है वो अपने टाइम पे ही होगी चाहे मैं कितना भी हाथ पैर मार लू या एफर्ट डालू इससे चीजें ठीक होने वाली नहीं है ठीक है आपके पार्टनर को पुश करा जाता है बट आपके पार्टनर उस चीज को ध्यान नहीं देते इग्नोर कर देते ये और समटाइम्स ये बहुत सारी चीजों को इग्नोर ही करते हैं ठीक है यस लेटर एस मिला है यहां पे ठीक है लेटर एस की एनर्जी है एक मिनट हा ओके सो इनके लाइफ जो है ना इस टाइम पे कहीं ना कहीं अच्छी नहीं दिख रही ठीक है कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है बहुत डार्क एनर्जी आई है कहीं कहीं पे बहुत लाइट एनर्जी आई है तो इनका लाइफ जो है ना वो बहुत अनबैलेंस हो गया ठीक है बैलेंस एनर्जी नहीं है बिकॉज यहां पर चीजें जो है इनकी लाइफ में काफी मैच हो रखी है ठीक है इनको ऐसा लग रहा है कि हर चीज अपनी जगह पे सही है बट मेरी लाइफ में चीजें जो है वो खराब हो रही है अच्छे से ना मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही ठीक है जिसके लिए ना ये समटाइम्स आपको भी ब्लेम देते हैं ठीक है ठीके? और समाइम्स फैमिली इश्यूज के वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों में वापस से मिलन नहीं हो पा रहा आप दोनों एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो ठीक है ठीके? बट मन ही मन दिल ही दिल कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को याद करते रहते हो एक दूसरे के ख्यालों में खोना एक दूसरे के बारे में सोचना ये चीजें अक्सर होती है ठीक है ये आपके पर्सन को भी लगता है कि ये चीजें आप दोनों के बीच में है बट कहीं ना कहीं समाइम्स आप दोनों एक दूसरे को जाने अनजाने ना से इग्नोर कर देते हो ठीक है और आपके पार्टनर को ना ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि वो किसी व्यक्ति से कनेक्ट हो और वो सामने वाला उन्हें इग्नोर कर दे बिकॉज आपकी तरफ से इनको समटाइम्स ना ऐसी हार्ट वाली एनर्जी फील हुई है जाने अनजाने ना से ही हो सकता आपने इंटेंशन सेट करके ना किया हो बट आपके पार्टनर को ये चीजें बहुत बुरी लगती है ठीक है बिकॉज उस टाइम पे नहीं बहुत सेट हो जाते हैं और इंसान उसी से ज्यादा गुस्सा करता है या उसी से ज्यादा चिढ़ता है जिससे वो प्यार करता है ठीक है आपके पार्टनर यहाँ पे गुस्सा प्यार दोनों चीजें आपसे करते हैं ओके okay, जिसकी वजह से ये आपको भूल नहीं पा रहे सो so, काफी खट्टा मीठा टाइप का रिलेशनशिप आप कर रह चुके हैं ठीक है जहां पे एक दूसरे दूसरे से प्यार करना एक दूसरे से बहुत सारी बातें करना ठीक है बट समाइम्स ना ये रिश्ता जो है ईगो की वजह से खत्म होता ये है partner, ये ईगो को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं आपके पार्टनर ठीक है ये यदि ये अंडरस्टैंडिंग दिखाए ना और अपनी जिद को छोड़ दे सो so डेफिनेटली आप दोनों में रिश्ता काफी अच्छा बन सकता है ठीक है चीजें अच्छी हो सकती है बट ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालते चीजों में ठीक है सो so, इसे हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं ओके okay, अब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देखूंगी गाइडेंस क्या है आपके लिए सो so, चलिए देख लेते हैं कि ऑल ओवर आपके लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है ओके okay, दो कार्ड आ रहा है एट ऑफ कार्ड फाइव ऑफ सोर्ड्स हो सकता है कि आपने डिसाइड करा अपनी लाइफ में मूव ऑन होने का ठीक है आप बस एक कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का यदि आप एक टाइम फ्रेम तक ही वेट कर रहे हो ठीक है यदि आपके पार्टनर नहीं आए सो so डेफिनेटली आप हो सकता है कि मूव ऑन कर जाओ अपनी लाइफ में ओके और दूसरी तरफ आपके पार्टनर काफी परेशान हो रहे हैं ये सोच सोच के कि काफी लंबा समय हो गया हम दोनों ने एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करा एक दूसरे से बात नहीं करा है कहीं चीजें खत्म ना हो जाए कहीं इनके लाइफ में चीजें एंडिंग पे ना आ जाए ठीक है जिसके वजह से आपके पार्टनर जो है काफी घबरा रहे हैं और वो आपके पास आना जरूर चाहते हैं ठीक है बट ये आपको छुप छुप के स्टॉक भी करते बिकॉज यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है जहां आपको स्टॉक कर रहे हैं देख रहे हैं ठीक है बट ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे बट ये आने वाले टाइम में आएंगे जरूर बिकॉज यहाँ पे दी चैरियट की एनर्जी आई है ठीक है दो मेजर अड़काना है आपकी रीडिंग में सो so डेफिनेटली आएंगे जरूर और यूनिवर्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा हील करो अपने आप को ठीक है बिकॉज आप सोचते बहुत हो आप ओवर थिंकिंग में समटाइम्स बहुत ज्यादा चले जाते हो ठीक है जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको कह रही है कि थोड़ा दिमाग को ठंडा करे आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचने की कोशिश करो ठीक है चीजों को थोड़ा सा फ्री छोड़ दो आप बहुत ज्यादा यदि उस चीजों में घुसे रहोगे ना सोचते रहोगे सोचते रहोगे ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो चीजें आपको बहुत बॉदर करेगी राइट और चीजें समटाइम्स बॉदर करती भी है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग डिप्रेशन तक हो जाती है ठीक है यदि आप ज्यादा सोच विचार में पड़ जाते हो किसी चीज को लेकर के या ज्यादा सोचने लगते हो तो डेफिनेटली ये चीजें घटित होने लगती है ठीक है सो यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करो थोड़ा सा आप धैर्य रखने की कोशिश करो डेफिनेटली आपके लाइफ में आने वाले टाइम में सारी चीजें सही हो जाएंगी ठीक है और इस पर्सन के साथ आपका बहुत ही ब्यूटीफुल और डीप कनेक्शन बनेगा और आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा और सच्चा रिलेशनशिप आते हुए दिख रहा है यहाँ पर ठीक है बिकॉज आपने लाइफ में ना बहुत सारे लेसन सीख चुके हो ऐसा लग रहा है एक डार्क एनर्जी से निकल के एक लाइट एनर्जी की तरफ जाना ये क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप, आप अपने ओवर थिंकिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी डिवाइन यहाँ पे गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी हीलिंग करो लाइफ में आगे बढ़ो ठीक है कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस डेफिनेटली मिल रही है ठीक है जिसके जिस चीज को ना आप पकड़ नहीं पा रहे हो ठीक है आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या चल रहा है आप समटाइम्स थोड़ी उलझन में फंस जाते हो जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप इन सारे टेंशन को छोड़ के अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो ठीक है ओवर थिंकिंग छोड़ो एक डार्क एनर्जी से निकल के लाइट एनर्जी की तरफ जाओ और देखो कि बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में करने को ठीक है आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो और जो चीजें आपके जीवन में हुई ना उसे एक लाइफ लेसन की तरह आप सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो ठीक है कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इसी तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं ओके okay, सो so ये थी गाइज आपकी रीडिंग यदि रीडिंग पसंद आई हो रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पे यदि पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें ढेर सारा प्यार दे डिवाइन टेरो को अभी के लिए बस इतना ही मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में बाई गाइज